तो गाइज़ आप लोग कैसे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज आप लोग के लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्वायरमेंट 2020 में कंटोनमेंट बोर्ड वैकेंसी 2020 में बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। सो गाइज़ अब क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी का फॉर्म भर के आप वैकेंसी पर क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा वैकेंसी को कैसे फॉर्म करना है। जैसे आप वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे आपको मैं बताऊँगा कैसे PDF डाउनलोड करना। सो गाइज़ मैं आपको डिटेल जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू रिक्वायरमेंट 2020 वैकेंसी कंटोनमेंट बोर्ड कसौली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्लीकेशन फ्रॉम 2020 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्वायरमेंट PDF डाउनलोड। ऐसे मैं आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। सो गाइस अब वेट कीजिए, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये ठीक है, इसे वैकेंसी है, डिटेल्स ऑफ वैकेंसी दिया गया है ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन सा जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। सो गाइस वेट कीजिए, गवर्नमेंट जॉब की जो भी डिटेल जानकारी मिलेगी ऑन एग्जाम चैनल से आपको दी जाएगी। टोटल वैकेंसी पोस्ट आपको दिए गए हैं, लोकेशन दिया गया है कसौली में है ठीक है। पोस्ट नेम्स आपको देखिए क्लर्क, मजदूर, सफाई वाला, गार्ड ऑर्डर भी दिया गया। ऑफिशियल वेबसाइट आपको क्लिक किया करना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको बताऊँ कैसे फॉर्म फिल करना है। अप्लाई जो मोड है कैसे है, ऑनलाइन है गाइज। फॉर्म का स्टार्टिंग जो था 20 मार्च से था, लास्ट डेट कब है, 15 मई तक है। सो गाइज क्या कर सकते हैं, अभी आपके पास बहुत लंबा समय, आप क्या कर सकते हैं फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अप्लीकेशन फ़ी की, कौन कैसे किस कैटेगरी के लोग जो हैं कौन से कितने पैसे देंगे। अप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं, मेल और फीमेल में आते हैं ठीक है। जनरल की बात करते हैं, सबसे पहले तो मेल का कैंडिडेट कितने देंगे, 500, फीमेल कितने देंगे, 100 देंगे। OBC की बात करते हैं, 500 देंगे और फीमेल कितने देंगे, 100 रुपया देंगे। SC और ST की बात करते हैं तो उनके लिए बिल्कुल फ्री है, मेल या फीमेल कैंडिडेट के लिए। सो गाइज आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं कि सैलरी कैसे मिलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे आप डाउनलोड करेंगे वहाँ से आपको क्या मिलेंगे, सैलरी की डिटेल जानकारी दी जाएगी। मैं आपको लोड करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की, तो करेक्ट कैंडिडेट्स एज लिमिट शुड बी मिनिमम कितने, 18 और मैक्सिमम जो होना चाहिए कितने, 30 ईयर्स होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो ST OBC PWS के जो होते हैं गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जितने 5 साल 3 साल जो डिस्काउंट मिलते हैं उसके हिसाब से मिलेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की गाइज बात कर लेते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है बहुत ही कम है, एज लाइक क्लास 8 पास होना चाहिए ठीक है, और 12 पास भी आपको होना चाहिए। 8 पास है तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और 12 पास कर सकते हैं तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज लाइक यू कहा जाए कि 9th 10th ठीक है, यानी 8 से लेकर 10+2 के कोई भी कैंडिडेट हो तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बस उनका एज जो होना चाहिए 18 से लेकर 30 साल के बीच में ही होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, सिलेक्शन कैसे होगा, तो एक नंबर काम जो होगा एग्जाम होगा, एग्जाम जैसे ही होंगे मैं आपको बताऊंगा ठीक है। एडमिट कार्ड कब जारी होगा सब टोटल जानकारी मैं आपको दूंगा। फिजिकल होंगे, उसके बाद टाइपिंग होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। जैसे मेडिकल होंगे तो आकर क्या आ जाएंगे गाइस, मेरिट लिस्ट आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं इंपॉर्टेंट लिंक ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन कर रहा है तो क्लिक हेयर कीजिए, डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक हेयर कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट कीजिए तो भी आप क्लिक हेयर कीजिए। अब बात रहती है कि मैंने वेबसाइट कहाँ से लाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे गाइज, आप अपने गूगल में जाएंगे, गूगल में जाने के बाद सो गाइज आप गूगल में जाएंगे, गूगल में जाने के बाद क्या लिखेंगे, ऑल गूगल में जाने के बाद गाइज आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे गूगल में जाने के बाद गाइज आप लिखना चालू करेंगे ऑल जॉब्स फॉर यू ठीक है, क्या लिखेंगे ऑल जॉब्स फॉर ठीक है यू। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद जैसे आप ऑप्शन आएगा तो सबसे पहले जो न्यू वैकेंसी जो आती है वहाँ पर लिखा होगा डिफेंस मिनिस्ट्री ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री लिखा होगा, डिफेंस मिनिस्ट्री वैकेंसी वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे आपको प्रोसेस बताया टोटल प्रोसेस आपको होगा, आप प्रोसेस के नीचे जाएंगे, क्लिक किया क्लिक किया क्लिक किया जहाँ लिखा होगा वहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लिक किया करके आप डाउनलोड नोटिफिकेशन कर सकते हैं। सो गाइज मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, बट इससे पहले एक थोड़ा कंडीशन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आने जाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी जॉब आने वाली लेटेस्ट जॉब वैकेंसी जो एडमिट कार्ड ठीक है, मेरिट लिस्ट, एग्जाम कब होंगे, टोटल जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सकती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए विद कमेंट के साथ। सो गाइस चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन कैसे आपको डाउनलोड करना है। सो गाइस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, सबसे पहले गूगल में जाएंगे, गूगल जाने के बाद देखिए यहाँ पर alljobsforyou.com लिखा हुआ है ठीक है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस आप यहाँ पर आएंगे, फिर आपको मैंने दिखाया alljobsforyou। सो गाइस वेट कीजिए थोड़ा सा ठीक है, खुल रहा है सर, जैसे ही खुलेगा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आ गया alljobsforyou, आप देख रहे हैं। सो गाइस होम पेज पर आएंगे ठीक है, होम पेज में देखिए लेटेस्ट जो वैकेंसी आपको दिखा रहा हूँ वहाँ पर ऐसे करते जाएंगे ठीक है। उसके बाद जैसे आपको नीचे आएंगे देखिए यहाँ पर आ गया, इसको करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए जानकारी मैंने जो आपको दी है टोटल जानकारी है, बस यहाँ पर आप आएँगे ठीक है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद मैं आपको गाइस दिखाऊँ, देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है अप्लाई ऑनलाइन, डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल बुलाए, जैसे आप करेंगे शो कर सकते हैं। देखिए मैं आपको डाउनलोड नोटिफिकेशन करके दिखा देता हूँ। सो गाइस वेट कीजिए, देखिए यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे जैसे हम ओके करेंगे क्या हो जाएंगे, डाउनलोड नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। सो गाइस कैसे कर सकते हैं, इस तरह से डाउनलोड नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, करने के बाद वहाँ से डिटेल जानकारी ले सकते हैं कि इसकी वैकेंसी की जो है सैलरी कैसे मिलेगी ठीक है। तो वैकेंसी जो है सैलरी आपको मिलेगी गाइस, वेट कीजिए, सैलरी की बात नहीं, सबसे पहले फॉर्म को फिलअप कीजिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद जब इसका एडमिट कार्ड आएगा तो बताऊँगा मैं आपको फिर एग्जाम कब होगा ठीक है, फिजिकल कब होंगे, इसके कटअप कितने जाएंगे, टोटल जानकारी मैं आपको अपने चैनल से देने वाला हूँ। सो गाइस वेट कीजिए, देखिए यहाँ पर
यहाँ पर आप देख रहे हैं ना शू गाइज, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट आपका एक हुआ हुआ है पीडीएफ। देखिए यहाँ पे मैंने लोड किया हुआ था, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर मिल गया। देखिए लिख रहा है कार्यालय छावनी परिषद कौशली, ठीक है। शू गाइज आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, टोटल जानकारी ले सकते हैं। पेज आपका 17 है, ठीक है। शू गाइज घबराने की कोई बात नहीं, इसमें बहुत सारी बड़ी वैकेंसी आई है, ठीक है। पेज 17 को आप देख सकते हैं, लाइन से कोई दिक्कत नहीं है। आप पेज खुद डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर टोटल जानकारी मजदूर के लिए आपको सब टोटल दिया गया है, किसके लिए कितने सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। 100 मार्क्स के आपके सब्जेक्ट सिलेबस होंगे, जनरल इंग्लिश है, ठीक है। देखिए यहाँ पर रीजनिंग की बात करते हैं, सबसे पहले रीजनिंग है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं टोटल सब्जेक्ट आपको दिखाया गया, सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट आप देख सकते हैं किसमें कितने मार्क्स के होंगे, ठीक है। कितने के आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। टोटल जानकारी आपको दी गई। सो गाइज अगर आप हमारे पहली बार चैनल पर बिलोंग कर रहे हैं तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। सो गाइज तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।